नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टिक्स। भारत में एक बार फिर जासूसी का जिन बोतल के बाहर आ गया है। 2019 में राज्यसभा में तीखी बहस की वजह रहा पेगासस स्पाईवेयर एक बार फिर सुर्खियों में है। न्यूज़ पोर्टल द वायर ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि भारत सरकार ने 2017 से 2019 के दौरान करीब 300 भारतीयों की जासूसी की है। इन लोगों में पत्रकार, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता, विपक्ष के नेता और बिजनेसमैन शामिल हैं। सरकार ने पेगासस स्पाईवेयर के जरिए इन लोगों के फोन हैक किए थे। इस रिपोर्ट के बाद सरकार ने सफाई देते हुए सभी आरोपों को निराधार बताया है। आपको बता दें कि पेगासस इससे पहले भी कई बार सुर्खियों में रहा है। 2019 में व्हाट्सएप ने पेगासस को बनाने वाली कंपनी पर मुकदमा भी किया था। वहीं द गार्जियन और वाशिंगटन पोस्ट ने एक रिपोर्ट के जरिए आरोप लगाया है कि दुनिया की कई सरकारें एक खास पेगासस नाम के सॉफ्टवेयर के जरिए मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, पत्रकारों, बड़े वकीलों समेत कई बड़ी हस्तियों की जासूसी करवा रही है, जिसमें भारत भी शामिल है। भारत सरकार ने इन आरोपों को खारिज किया है। रिपोर्ट में इन पत्रकारों के नाम सामने आए हैं। रोहिणी सिंह, पत्रकार द वायर। स्वतंत्र पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी। सुशांत सिंह, इंडियन एक्सप्रेस में डिप्टी एडिटर। SNM अवधि, आउटलुक के पूर्व पत्रकार। परंजय गुहा ठाकुरता, EPW के पूर्व संपादक। MK वेणु, द वायर के संस्थापक। सिद्धार्थ वरदराजन, द वायर के संस्थापक, एक भारतीय अखबार के वरिष्ठ संपादक। झारखंड के रामगढ़ के स्वतंत्र पत्रकार रुपेश कुमार सिंह। सिद्धांत सिब्बल, बियॉन के विदेश मंत्रालय के पत्रकार। संतोष भारतीय, वरिष्ठ पत्रकार, पूर्व सांसद। इफ्तिखार गिलानी, पूर्व DNA रिपोर्टर। मनोरंजन गुप्ता, फ्रंटियर TV की प्रधान संपादक। संजय श्याम, बिहार के पत्रकार। जसपाल सिंह हेरन, दैनिक रोजाना पहरेदार के प्रधान संपादक। सैयद अब्दुल रहमान गिलानी, दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर। संदीप उन्नीथन, इंडिया टुडे। विजेता सिंह, द हिंदू की गृह मंत्रालय से जुड़ी पत्रकार। मनोज गुप्ता, TV18 के इन्वेस्टिगेटिव एडिटर। हिंदुस्तान टाइम्स समूह के 4 वर्तमान और 1 पूर्व कर्मचारी। कार्यकारी संपादक शिशिर गुप्ता, संपादकीय पेज के संपादक और पूर्व ब्यूरो चीफ प्रशांत झा। रक्षा संवाददाता राहुल सिंह। कांग्रेस कवर करने वाले पूर्व राजनीतिक संवाददाता औरंगजेब नक्शबंदी। हिंदुस्तान टाइम्स समूह के अखबार मिंट के एक रिपोर्टर। सुरक्षा मामलों पर लिखने वाले वरिष्ठ पत्रकार प्रेम शंकर झा। पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा रिपोर्टर शेखर दत्ता। स्मिता शर्मा, TV18 की पूर्व एंकर और द ट्रिब्यून की डिप्लोमेटिक रिपोर्टर। इसके अलावा रिपोर्ट में अन्य नामों का किसी न किसी कारण से खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन कहा है कि आने वाले समय में और नामों का खुलासा होगा। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कई पत्रकारों से फॉरेंसिक विश्लेषण में शामिल होने की बात की गई, लेकिन उन्होंने विभिन्न कारणों का हवाला देते हुए इसमें भाग लेने से इनकार कर दिया। गार्जियन ने क्या आरोप लगाए हैं? गार्जियन अखबार के खुलासे के मुताबिक इस सॉफ्टवेयर के जरिए 50,000 से ज़्यादा लोगों की जासूसी की जा रही है। लीक हुए डाटा के कंसोर्टियम के विश्लेषण ने कम से कम 10 सरकारों को NSO ग्राहक के रूप में माना जा रहा है, जो एक सिस्टम में नंबर दर्ज कर रहे थे। अजरबैजान, बहरीन, कजाकिस्तान, मैक्सिको, मोरक्को, रवांडा, सऊदी अरब, हंगरी, भारत और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों के डाटा इसमें शामिल हैं। गार्जियन का दावा है कि 16 मीडिया संगठनों की जांच के बाद ये खुलासा किया गया है। पेगासस क्या है? पेगासस एक स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर यानी जासूसी या निगरानी के लिए इस्तेमाल में होने वाला सॉफ्टवेयर। इसके जरिए किसी फोन को हैक किया जा सकता है। हैक करने के बाद उस फोन का कैमरा, माइक, मैसेज और कॉल्स समेत तमाम जानकारी हैकर्स के पास चली जाती है। इस स्पाईवेयर को इजरायली कंपनी NSO ग्रुप ने बनाया है। पेगासस काम कैसे करता है? साइबर सिक्योरिटी रिसर्च ग्रुप सिटीजन लैब के मुताबिक
किसी डिवाइस में पेगासस को इंस्टॉल करने के लिए हैकर अलग अलग तरीके अपनाते हैं। एक तरीका यह है कि टारगेट डिवाइस पर मैसेज के जरिए एक एक्सप्लॉइट लिंक भेजी जाती है। जैसे ही यूजर इस लिंक पर क्लिक करता है, पेगासस अपने आप फोन में इंस्टॉल हो जाता है। 2019 में जब व्हाट्सएप के जरिए डिवाइसेस में पेगासस इंस्टॉल किया गया था, तब हैकर्स ने अलग अलग तरीका अपनाया था। उस समय हैकर्स ने व्हाट्सएप के वीडियो कॉल फीचर में एक बग का फायदा उठाया था। हैकर्स ने फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट के जरिए टारगेट फोन पर वीडियो कॉल किए थे। इसी दौरान एक कोड के जरिए पेगासस को फोन में इंस्टॉल कर दिया गया था। पूरे मामले पर भारत सरकार का क्या कहना है? इस पूरे मामले पर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने सफाई दी है। मंत्रालय ने कहा है कि भारत एक मजबूत लोकतंत्र है और अपने नागरिकों के निजता के अधिकार के लिए पूरी तरह समर्पित है। सरकार पर जो जासूसी के आरोप लग रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। इस मामले में सरकार की क्या भूमिका है? पेगासस को बनाने वाली कंपनी का कहना है कि वो किसी निजी कंपनी को यह सॉफ्टवेयर नहीं बेचती है, बल्कि इसे केवल सरकार और सरकारी एजेंसियों को ही इस्तेमाल के लिए देती है। इसका मतलब है कि अगर भारत में इसका इस्तेमाल हुआ है तो कहीं ना कहीं सरकार या सरकारी एजेंसियां इसमें शामिल हैं। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी, आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल विहार टिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। नमस्कार।